friends. देख पा रहे थे बिल्लागढ़ से आए हुए हैं दोस्त लोग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ मनोज सिका, वेलकम टू माय सिकार्ट चैनल। आज एक व्यक्ति को मिलने जा रहा हूँ जो कि आर्टिस्ट है, और कल रात को मेरे पास कॉल आया था उनका, और वो मेरे होम टाउन टिटलागढ़ से हैं और वो अनुगुल में आके पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, फेसबुक में जस्ट फ्रेंडशिप था, और मैं उनका आर्ट कभी देखा भी नहीं हूँ। तो वो अनुगुल में आके कलेक्टर ऑफिस जो है रेस्टोरेंट उधर ही कहीं पेंटिंग कर रहे हैं। तो कल रात को बात हो गया, तो मैं अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसे पेंटिंग कर रहे हैं। और इतना दूर से आए हैं तो उनसे मिलना फर्ज है मेरा, क्योंकि मेरा होम टाउन से है और एक आर्टिस्ट होने के नाते एक आर्टिस्ट को मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से एक सीनियर आर्टिस्ट है तो उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ उनका आर्ट देख के मतलब कुछ इंस्पायर मिले और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या उनसे बातचीत करेंगे, कुछ आर्ट के रिलेटेड कुछ सीखेंगे। ओके, यहीं पर जिलापाल आवासीय कार्यालय है, इसमें मेरा एक दोस्त है, टिटलागढ़ से आए हैं, आर्टिस्ट है और वो बहुत पुराने सीनियर है हमारे एरिया में, नामी दामी आर्टिस्ट है, और वो ऑल ओरिशा में उनका ड्राइंग जो है करते रहते हैं, बहुत जगह में उनका काम रहता है, और आज हम उनसे मिलेंगे। ओके, और उनका जो आर्ट वर्क है वो हम लोग देखेंगे, वॉल पेंटिंग कैसे कर रहे हैं वो। और ये अनुगुल डिस्ट्रिक्ट है, आप देख पा रहे हैं रेसिडेंस ऑफिस ऑफ कलेक्टर अनुगुल, और हम लोग मिलेंगे। सुखदेव बिभार फ्रॉम टिटलागढ़ जय कौशल, जय टिटलागढ़। तो हम लोग टिटलागढ़ आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, मैं ऑलरेडी अनुगुल में रहता हूँ, 10 साल हो गया है, और वो भी भाई साहब मेरे को फ़ोन किए कल कि मैं अनुगुल आया हूँ और आप आइए मिलेंगे, तो मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए, और हम लोग देखते हैं आज उनका आर्ट जो है क्या शानदार बना हुआ है कलेक्टर ऑफिस में। देखिए बाउंड्री में है और इसका और भी 3D आर्ट सब है अंदर में, हम लोग देखेंगे अंदर, चलिए देखते हैं। ये देख पा रहे हैं ऑयल पेंटिंग सब है, शानदार कैच है, ऐसे पोर्ट्रेट देख के दिल खुश हो जाता है, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए, कुछ देख के मैं भी इंस्पायर हूँ, मैं भी कुछ ऐसे सीख पाऊँ। और जो नया आर्टिस्ट लोग देख पा रहे हो, आप लोग ये सब आर्टिस्ट लोगों से मिले, उनसे बात करें, कुछ टिप्स लें, आप लोग भी सीख पाएंगे। ये देख पा रहे कैसे सब इक्वल है, जो आर्ट है देखिए, जो एलिफेंट बनाए हुए हैं मतलब सब इक्वल है, देखिए ऐसे शानदार आर्ट है। टिटलागढ़ के आर्टिस्ट हैं सुखदेव भाई है, उनका आर्ट है, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, और ये आर्ट भी उनका जो है मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ, देखिए गजब का आर्ट है, ऐसा नज़ारा बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहा। देखिए ये टिटलागढ़ का आर्टिस्ट है, और ये जो खासियत है देख पा रहे हैं आप टिटलागढ़ का क्या खासियत है, ये देखिए ये ऑल उड़ीसा में काम करते हैं, उनका हर जगह में हर डिस्ट्रिक्ट में काम रहता है, इस टाइप का ही मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारे हैं आगे।
इधर से भी देख पा रहे हैं आप APJ अब्दुल कलाम सर के, इधर से भी एलिफेंट आर्ट है, सब इक्वल है, माइंड ब्लोइंग आर्ट है। देखिए ये है उड़ीसा का पहचान है, ऐसे ही आर्ट होते हैं, देख पा रहे हैं ऐसे ही आर्ट है। ये टिटलागढ़ कलाकारी है, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, उनको मिलके बहुत खुश लगा मेरे को। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस का एक आर्ट है, देख पा रहे हैं इसे। मैं तो सोच रहा था कि मेरा आर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, बट ये सब आर्ट देख के मतलब मैं जीरो हूँ उनके सामने, देख पा रहे हैं। कोणार्क जाएंगे तो ये सब आपको मिलेगा, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही आर्ट देख पा रहे हैं, 3D पूरा है। निभावली रमा बंधनाला, करुणी बुद्ध वंदनाला, भीमची वाट। ये लॉर्ड जगन्नाथ के देखिए, ये तो और शानदार है, थोड़ा नजदीक से देखते हैं। वाओ व्हाट आर्ट, जबरदस्त जबरदस्त। ये टिटलागढ़ का पहचान है, टिटलागढ़ से आए हैं अनुगुल में आर्ट करने के लिए। ये देखिए एक तो पिकअप का, और एक तो देखते हैं टाइगर वाला, शानदार आर्ट है टाइगर का। भाई ठीक है सामने का सर। देखिए ये है सुखदेव बिभार है, टिटलागढ़ आर्टिस्ट है, अनुगुल में आके आर्ट कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं धूप में कैसे है। ये सब सही कि मतलब आर्ट जो कला को है अपना दिखाना चाहते हैं, और ये जो है गवर्नमेंट तरफ से काम हो रहा है अनुगुल कार्यालय में, सब कलेक्टर के कार्यालय में, बोले जिलापाल सर, जिलापाल ऑफिस के सामने हैं सब, ये बाउंड्री में उनका काम चल रहा है। और ये देखिए ये वाला किंग फिशर जो मैं रिसेंटली यूट्यूब में मेरा वीडियो आया था, सेम टू सेम है, मेरे से भी और अच्छा लग रहा है, ये मेरे से भी और अच्छा लग रहा है। देखिए वाह इधर देखिए और ज़बरदस्त सीन है सर, ये देख पा रहे हैं, वो देखिए शानदार सीन है, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं। आपको भी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर उनको रेस्पेक्ट दे, मिले, बातचीत करें, कुछ सीखे, खास करके जो आर्टिस्ट हैं, बिगनर है या सीनियर भी हो, आपके एरिया में कोई भी साइड से कोई आते हैं तो उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, उन लोगों को अच्छा लगेगा, और आप भी सीख सकते हो ऐसे ही। मैं तो आया बहुत कुछ मतलब टिप्स मिला मेरे को आर्ट के रिलेटेड, और देख पा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा पास से देखते हैं। वाह देखिए जैसे कि सही का मतलब रैबिट जो है ऐसे ही लग रहा है, 3D इसे कहते हैं 3D आर्ट। देखिए ये है टिटलागढ़ आर्टिस्ट का जलवा है, ऑल ओरिसा में उनका आर्ट देखने को मिलता है। और ये आज देख पा रहे हैं शानदार आर्ट है, देखिए ये देखिए जो देख पा रहे थे वो बाउंड्री के अंदर है, और अभी मैं ये दिखाने वाला हूँ ये जो बाउंड्री के बाहर है, और अंदर में जो है उसमें गार्ड लगा हुआ रहते हैं, तो आप जाकर देख नहीं सकते हैं, परमिशन लेकर देख सकते हैं, बट ऐसा ही कोई किसी को अलाउ नहीं है, और अथॉरिटीज़ जो है वो ही जा सक पाएंगे। और ये देखिए बाहर क्या है, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप अंदर का देख सकते हैं। How do you...
करूँ तो। हेलो फ्रेंड्स, जय बिल्लागढ़, जय बिल्लागढ़, जय कुशल। देख पा रहे थे बिल्लागढ़ से आए हुए हैं दोस्त लोग, और दोनों के दोनों आर्टिस्ट हैं, और उनका बिल्लागढ़ में तो बहुत सारे मतलब तो नाम कमाए हैं, और अभी अनुगुल में आए हैं। उनका जो है ऑल ओडिशा पे चलता है, जो ऐसे आर्ट आपको ऑल ओडिशा में देखने को मिलेगा। और आप देख रहे थे किस टाइप का आर्ट है, 3D आर्ट है, सब पेंटिंग है उन लोगों का। और आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो गया, देख पा रहे थे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट कीजिए आर्टिस्ट को। अंदर देखिए कितने गर्मी में काम कर रहे हैं, और आप लोग देखेंगे तो खुद दिल खुश हो जाएगा। और देखते रहिए ऐसे ही, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दिए जरूर। थैंक यू वेरी मच।